नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है सोबिया सदाम मौजूद हैं, जो कि मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में जो है फार्मासिस्ट है। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं इनका सफ़र जो है मुर्शिद अस्पताल में कब से शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मिस ठीक, हाउ यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोबिया, आपका जो है मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में कब से सफ़र स्टार्ट हुआ? मैम रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, तकरीबन 6 मंथ पहले। तो यहाँ पे मैं फार्माकोलॉजी पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट को, जनरली 4 सेमेस्टर वालों को। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहूँगी जो आप सब्जेक्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जिसे लीड कर रही है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करें। फार्माकोलॉजी बेसिकली आपको पता है मेडिसिन का सब्जेक्ट है। इसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, रिगार्डिंग ऑल के मेडिसिन, हम मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसका, हाउ मेडिसिन एक्ट मींस उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। आपको पता है नर्सिंग बेसिकली जो रिलेट करता है वो मेडिसिन से करता है, तो आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चों को इस सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। तो और मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ कि बच्चे इसको कम्प्लीटली समझें। अच्छा, आपको 6 माह यहाँ पर हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो आप क्या समझती हैं बाहर के इदारे में और यहाँ इस इदारे में जहाँ पर आप मौजूद हैं मुर्शिद में, तो क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? मैम इस इदारे में जो मैंने देखा है मींस यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल है रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ फॉलो की जाती हैं, जिसमें क्लास असेसमेंट टेस्ट आ जाते हैं, असाइनमेंट्स आ जाती हैं, डिबेट आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा मींस जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की लर्निंग अच्छी हो जाती है और वो मेमोराइज़ हो जाती है वो चीज़। सही। अच्छा, अब स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे एडमिशन होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेस पर जो है आप लोग स्टूडेंट को एडमिट करते हैं? यहाँ पे इंटरनल एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसकी बेस पे स्टूडेंट जो क्वालिफाई करता है वही एलिजिबल होता है एडमिशन के लिए। अच्छा, को सिस्टम है यहाँ पर? जी जी डेफिनेटली, यू नो आजकल हर फील्ड में जो फीमेल है वो शाना बशाना चल रही हैं मर्दों के, तो इसीलिए यहाँ उस सिस्टम को देखते हुए ये को एजुकेशन है। सही। अच्छा, आप जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट लेके चल रही होती है सारी चीज़ें, तो मैं चाहूँगी मुर्शिद हॉस्पिटल भी है, तो उसका जो है क्या किरदार है मुर्शिद स्कूलिंग सिस्टम? बहुत मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में हॉस्पिटल का बहुत मेजर किरदार है। आपको पता है जो मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में थ्योरी पढ़ लेते हैं हम, उसका जो क्लिनिकल होता है मींस जो आप प्रैक्टिस होती है क्लिनिकल, वो हम हॉस्पिटल में कंडक्ट करवाते हैं। थ्योरी के साथ साथ आपको पता है प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सारी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो बच्चे हॉस्पिटल में करते हैं। अच्छा सुबिया, जो है आपके स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और जाहिर सी बात है और भी जो स्टूडेंट्स हमें देखेंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट को सब ऑल स्टूडेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि वो दिल लगा के पढ़ें, और आपको पता है यही हमारा फ्यूचर है। आज के स्टूडेंट कल हम टीचर्स की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे जो है मुकाम पे देखें, और आपको पता है मेडिकल साइंसेज में पाकिस्तान बाकी ममालिक से थोड़ा पीछे है, तो इसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है, स्पेशली जो आजकल की जनरेशन है कि वो अच्छा पढ़े और मेडिकल फील्ड में एटलीस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, इंसानों से रेलेवेंट है ना, तो इस फील्ड में मैं चाहूँगी कि बच्चे खूब आगे तरक्की करें और बाकी ममालिक के कंपैरेटिव आएँ।